इलाकों में व ग्रामीण क्षेत्रों में आपने स्कूलों में पाठशालाएं तो बहुत देखी होंगी और परीक्षाएं भी देखी होंगी, लेकिन कभी आपने सुना है कि जेल में भी पाठशाला लगती है और परीक्षाएं भी होती हैं? जी हाँ, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर कन्नौज जिला जेल की है और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर परीक्षा चल रही है। यहाँ पर ये सब जो परीक्षार्थी हैं, ये कैदी है यहाँ पर, जिन्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनको एक भारत सरकार की स्कीम चल रही है, नव भारत साक्षरता परीक्षा कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत इन कैदियों को जो बिना पढ़े लिखे होते हैं उनको साक्षर किया जाता है यहाँ पर। बड़ा अच्छा, उसी की परीक्षा चल रही है। पूरे देश में परीक्षा हो रही है और कन्नौज में 52 कैदी ऐसे हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ कन्नौज जिला जेल के जो जेल अधीक्षक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर ये किस तरह का मिशन है और कितना कारगर साबित होगा ये? ये हमारा टोटल लिटरेसी मिशन है और हमारा उद्देश्य ये है कि जेल में कोई भी बंदी निरक्षर नहीं रहेगा, और इस के लिए हम भारत सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत नव भारत साक्षरता परीक्षा का आज आयोजन करा रहे हैं। इसमें 50 ऐसे बंदी शामिल हैं जिसमें 5 महिला और 45 पुरुष हैं, जो जेल में आने के समय इलिटरेट या सेमी लिटरेट थे। जेल में साक्षरता कक्षाएं चल रही हैं, उन साक्षरता कक्षाओं में ही रहकर इन्होंने पढ़ा लिखना सीखा है। आज ये परीक्षा दे रहे हैं, इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी देखी जा रही है और पढ़ने लिखने के बाद इनके चेहरे पे एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इनकी दशा और दिशा में बदलाव आएगा इस तरह के? बिल्कुल आएगा। हमारी कोशिश यही है कि जेल में रहने के दौरान पढ़ाई लिखाई करें, कुछ अच्छी चीजें सीखें, कुछ अच्छे काम धंधे सीखें और बाहर निकलने के बाद वो अच्छे काम करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में समाज में स्थापित करें। अपराध जगत में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे इलिटरेसी भी हो सकती है? इलिटरेसी भी एक कारण अपराध का हो सकता है, अज्ञानता भी एक कारण है अपराध का, एक बड़ा कारण है, और बेरोजगारी भी एक अपराध का बहुत प्रमुख कारण माना जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इनको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ छोटे छोटे काम धंधों में भी इनको पारंगत बनाया जाए। उनकी लगातार हम लोग इस तरह के काम धंधों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। लोग जेलों जेल को भय मानते हैं, बहुत सारे लोग जेल को भय मानते हैं, हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती हैं, लोग चले जाते हैं, जेल काट जाते हैं, लेकिन जेल के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। किस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, कैसे इनको और मोटिवेट किया जाता है कि अपराध से ये दूर रहेंगे? इसके लिए हम विभिन्न तरीके के कार्यक्रम कराते हैं और हमारा दृष्टिकोण इनके लिए पूरी तरह से मानवीय रहता है, मानवीय व्यवहार इनके साथ किया जाता है और हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि जेल का माहौल सकारात्मक रखा जाए, इनको बेहतर इंसान बनाकर यहाँ से निकाला जाए। सर कौन सी स्कीम है ये नव भारत साक्षरता परीक्षा जो आज कराई जा रही है, आप इसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए। जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा मंत्रालय एक उल्लास नाम से कार्यक्रम चला रहा है, उसमें सभी निरक्षरों को साक्षर बनाना है और उनका साल में 2 बार परीक्षा होती है, एक मार्च में और एक सितंबर के महीने में। यहाँ इस जेल में पहली साक्षरता परीक्षा इस तरह की आज हो रही है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि बंदी कम से कम जो निरक्षर है इतना तो पढ़ना लिखना सीख ले कि दस्तखत करना सीख ले, जो एक समाज में बुरा माना जाता है, अंगूठा छाप कहा जाता है, कि वो कलंक इनके माथे से मिट जाए। सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही होता है कि बंदी को नाम लिखना सिखाए, उसके बाद हम आगे की चीजें उनको सिखाते हैं। और अगर वो कुछ और दिन जेल में रह जाता है पढ़ना लिखना सीखने के बाद, तो उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा आठवां उसकी पढ़ाई हम लोग इनको जेल में कक्षाएं लगा के करवाते हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इनकी पढ़ाई, इनके क्लासेस सब जेल में ही लगते हैं और सर्टिफिकेशन इनका बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के माध्यम से ही होता है। इसके बाद हमने अगला प्रयास किया है कि हाई स्कूल इंटर की एजुकेशन का, उसके लिए हमने NIUS का स्पेशल स्टडी सेंटर यहाँ के लिए सैंक्शन कराया है। आने वाले दिनों में हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई भी जेल में शुरू हो जाएगी। साक्षरता से कितना बदलाव आ सकता है? बिल्कुल बदलाव आ सकता है, ये पढ़ लिख के इनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, जो कुंठा की भावना है, कुंठाग्रस्त ये लोग रहते हैं, वो कुंठा की भावना दूर होगी, इनका मानसिक विकास होगा और ये अच्छे और बुरे में भेद करने में सक्षम होंगे। जब इनका मानसिक विकास होगा पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, तो अच्छे बुरे में, वैध अवैध में ये भेद करने में सक्षम होंगे और उम्मीद की जा सकती है कि बाहर निकलने के बाद फिर कोई गलत कदम ये लोग नहीं उठाएंगे। आप यहाँ पर जेल अधीक्षक हैं, बहुत सारी कैदियों से आपकी बातचीत भी होती होगी जो परीक्षा दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ कैदी ऐसे आपको मिले कि जिनको गिल्टी फील होती हो या फिर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारी ऐसे लोगों से बातचीत होती है और हमको ये महसूस होता है कि ये अब बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं करेंगे। और बहुत से कैदी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि साहब हमने गलती कर दी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और जो कुछ हम लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं उसका फायदा भविष्य में भी लेंगे। जैसे वो लोग ये कहते हैं कि जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा लिखना सीखा, हम आगे कोशिश करेंगे बाहर निकलने के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें।
कुछ कैदी ऐसे भी होंगे जो इस पढ़ाई लिखाई को अपने गांव में बढ़ना चाहेंगे, जादू सीख के जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, अगर वो इसको करना चाहते तो ये और अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, आगे जाके वो दूसरों को पढ़ा लिखा है। लग रहा है कुछ बदलाव की बिहार में? बिल्कुल बदलाव होगा, जब कोशिश होगी तो परिवर्तन जरूर आएगा। हमारे साथ शिक्षा विभाग के भी कुछ लोग मौजूद है यहाँ पर। इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, जेलों में परीक्षा हो रही है, हालांकि हमने भी सुना तो बड़ा अटपटा मुझे लगा कि जेल की पाठशाला यहाँ पर लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है, लोग उसे बड़ा जेल को बड़ा खराब मानते हैं कि अंदर यहाँ कोई अगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर आदमी पहुँच जाता है वहाँ पर तो अंदर सजा मिलती है वहाँ पर, उन्हें उनको आगे उनकी दशा दिशा बदलने कोई कारगर कदम नहीं उठाए थे, तो ये सब भ्रांतियाँ हैं क्या? एक्चुअल ये परीक्षा की जो बात आप कर रहे हैं, परीक्षा बहुत पहले से चल रही है, परीक्षा हर विद्यालय स्तर पे भी होती है, न्याय पंचायत स्तर पे भी होती है, और इसमें जो लोग इलिटरेट होते हैं उनको चिन्हित करके एग्ज़ाम दिलाया जाता है। ये पहली बार इस कारागार में एग्ज़ाम जो हो रहा है, ये बहुत बड़ा हम समझ रहे हैं शायद जेल अधीक्षक महोदय का विशेष प्रयास रहा या और कोई कारण, जो कि बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि जेल में तो खैर तमाम कैदी आते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, तमाम गलतियों के कारण, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई गलती बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन एक न्यायिक उसको वो जब तक जांच में नहीं क्लियर हो पाता है तब तक उसको जेल में रहना पड़ता है। लेकिन यदि उसको यहाँ रह कर के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो निश्चित है उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि यदि वो ऐसी स्थिति में जेल में रह कर के पढ़ लिख करके कुछ सीख गया है, क्योंकि उसने लगभग 10-15 साल अपनी ज़िंदगी घर पे रह के गुजारी, वहाँ वो जो काम नहीं कर पाया है और वो काम यहाँ पर जेल में रह कर के किया है, तो मेरा अंदाज उसके जीवन को जो है निरर्थक नहीं मानना चाहिए यहाँ पर रहते हुए, क्योंकि एक तो कलंक उसका दूर हुआ, जो उसके एक कलंक लगा था इलिटरेसी का, वो आज दूर हो रहा है। और बहुत आभारी हैं हम जेल अधीक्षक महोदय का, जिन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है, और आज 52 परीक्षार्थी बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे 52 कैदियों को एक लिटरेसी हो रही है, वो लिटरेट हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं। इस कदम को कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और भूर भूर प्रशंसा सर की, और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से कार्यक्रम चलते रहे, ताकि यदि कोई इस टाइप का हो तो उसको गलती जो उससे हुई है, जिस गलती के कारण कारागार में आया है, वो गलती का एहसास कर सके, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गलती को एहसास करता है, समझता है और उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करता है। सर देखिए आपको मैं कुछ हमारे साथ मास्टर साहब भी हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सर मनोज कटियार। अच्छा मनोज जी, इधर आइए जरा। सर मनोज जी, मैंने भी कभी आज तक, मुझे करीब 18-20 साल हो रहे पत्रकारिता में, लाइफ हो रही है, मैंने कभी जेल में पाठशाला नहीं सुनी, पहली बार जेल की पाठशाला सुन रहा हूँ यहाँ पर। तो किस तरह की पाठशाला है और कितना ये बड़ी साबित हो सकती है, कितना बदलाव ला सकती है इन कैदियों में, इनके मानसिक स्थिति के, इनके शारीरिक स्थिति को या इनके पारिवारिक स्थिति? सर जब मैं मूल विभाग अपने शिक्षा विभाग में था, जब हमको ये निर्देश मिला कि कारागार में जाकर के साक्षरता कार्यक्रम में प्रतिभाग करना है, साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग करना है, तो मुझे वहीं से लग गया था कि मुझे एक बहुत अच्छा काम करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तमाम प्रशिक्षणों को लेते लेते ये हमें मैं सीख चुका था कि शिक्षा के बगैर सब बेकार है, और जो कारागार में पहुंचे हैं निश्चित रूप से उनमें शिक्षा का अभाव होता है, तो जो निरक्षर हैं उनको साक्षर करने का अवसर जैसे ही हमको मिला यहाँ आने के बाद, हमने सूची बनाई, उसके बाद अपने स्तर से शुरू किया। जब से हमारे आदरणीय अधीक्षक महोदय आदरणीय मोहम्मद अकरम साहब आए हैं, चूँकि इनके अपने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव रहा है साक्षरता कार्यक्रम का, इन्होंने जहाँ भी जेलों में रहे तो वहाँ पे इनकी तमाम पत्रिकाएं भी छपी हैं, तो वो मैंने जब देखा इन्होंने यहाँ पे जो कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने की कोशिश की, उसके बाद से तो मुझे ये लग गया कि मेरे भी शिक्षक होने का कदम कितना मील का पत्थर साबित होगा। बहुत मील का पत्थर साबित हो चुका है सर, जब अगर आप पत्रिकाओं को अच्छा, आप तो उनको पढ़ाते हैं कैदियों को, तो बहुत सारे कैदी ऐसे मिलते होंगे जो बहुत, जिनकी मानसिक स्थिति बड़ी खराब है,
एक किस्म से कहते हैं ना इरिटेट टाइप की रहती होंगे, कई एक अंदर कुंठा टाइप की रहती होगी। कई ऐसे यहाँ पे कारागार में बंदी हैं जो कि इस कार्यक्रम को विरोध करने में पूरी ताकत लगाए थे और आज भी, लेकिन उनमें उसमें कमी आ रही है। वो ये सारी व्यवस्थाएं देख करके समझ रहे हैं, दूसरों को शिक्षित होते देख करके वो अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये व्यवस्था होती रहेगी तो विकसित भारत देश का जो सपना है निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो कलंक ये है अनपढ़ता का, अंगूठा लगाने का, ये जिस दिन मिट जाएगा उस दिन हम लोग समझ लेंगे कि हमारा देश पहले की तरह सोने की चिड़िया बन गया। कहते हैं साक्षरता एक ऐसा साधन है जो बहुत सारी कुरीतियों से आदमी को दूर कर सकता है। हमारे साथ मास्टर साहब थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह के जेलों में कदम उठाने लगना शुरू हो गया और पाठशालाएं लगना शुरू हो गई और जो कैदी हैं, जो निरक्षर कैदी हैं, उनको साक्षरता मिलना शुरू हो जाएगी तो आने वाले समय में हमारा देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। आपको मैं कुछ तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पर परीक्षा की। देखिए जितने भी बैठे हुए यहाँ पर, जो ये सारे अलग अलग धाराओं में अलग अलग अपराध में यहाँ पर ये सजा काट रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये महिलाएं भी कुछ यहाँ पर हैं, करीब 1, 2, 3, 4, 5 महिलाएं हैं यहाँ पर, वो भी परीक्षाएं दे रही हैं। तो इन्होंने शायद भी कभी कलम वलम यहाँ पकड़ा हो, लेकिन जेल में आकर इन्होंने कलम पकड़ना सीख लिया। और ये देखिए यहाँ पर हल, जो परीक्षा पत्र इनको मिला हुआ है, ये देखिए हल कर रही हैं उसको यहाँ पर। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जेल प्रशासन की यहाँ पर। इन महिलाओं ने जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध में यहाँ पर आकर किसी तरह से अपनी सजा काट रहे हैं, यहाँ पर जेल में बंद हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ के जाएंगे, जो अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे वो आप नाम लिखने न चलेंगे, तो स्वाभाविक है उनमें बदलाव आना तय है। तो सरकार का जो ये साक्षरता मिशन है वो कहीं ना कहीं अब जो जेल में पाठशाला के रूप में सामने आ रहा है और जेल में जो पढ़ाई शुरू हो गई, यहाँ पर कैदियों को पढ़ाना शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में इनकी मानसिक स्थिति तो अच्छी होगी, इनकी दशा और दिशा दोनों में बदलाव होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।